नमस्ते, मैं हूं श्रेयस अलपदे और मैं आ रहा हूं गुलाबी नगरी जयपुर में 28 सितंबर को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी जरूर आएंगे और हम सब मिलकर बनाएंगे इस रंगीन बेहतरीन शाम को और भी यादगार। तो मुझे इंतजार रहेगा आपका इस बीकाजी असली बीकानेरी प्रेजेंस ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 7th अवार्ड सेरेमनी पावर्ड बाय सिद्धि अनंत ग्रुप एंड IOCL सर्वो को पावर्ड बाय JK मसाले की रंगीन दुनिया में, जहां हम जिएंगे हमारे देश के अलग अलग कल्चर्स को एक साथ। Stay happy, stay healthy, and mark your calendars 28th September 2019 at Maan Palace. See you all. I love you all. Jai Hind. Rajasthan Film Festival. Nai soch, nai disha. आप थोड़ा फील होता है कि स्कूल में आए। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग एंड आज की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं स्कूल के फॉरिटीज एंड प्रिंसिपल मैम को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी हम सभी को दी, मेरी पूरी टीम को भी आज यहाँ पर आके आप सभी से बातचीत करने का थोड़ा सा मौका दिया। एंड अभी अपन जितनी देर से आपने काफी सारी मस्ती करने वाले, और जैसा कि मैंने आपके स्कूल से पता लगाया कि आज आपकी भी कोई एक्टिविटी डे है आई गेस, तो फिर मतलब बहुत सारी मस्ती यहाँ पर होने वाली है। एंड अपन अभी थोड़ी देर साथ में जब तक है तब तक राजस्थान से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, अपन कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। अपन गिफ्ट्स आप देख सकते हैं, वो आप सभी के लिए है। बस करना कुछ नहीं है, आपस में बातचीत कम करनी है, मेरी बात को भी ज्यादा सुननी है और पार्टिसिपेट खुद करना है और मस्ती करनी है पूरी पूरी, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताइए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नाम किस किसने सुना है आज से पहले? अरे क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए आपने टीवी देखते हैं, आप सभी आई गेस टीवी देखा होगा आपने, यूट्यूब देखते होंगे और उसमें कहीं ना कभी कभी ना कभी आपने एक अवार्ड शो भी जरूर देखा होगा। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल भी एक अवार्ड शो है जो 2013 में स्टार्ट हुआ था विद अ मोटिव टू अपलिफ्ट द राजस्थानी कल्चर, और हमारे जो राजस्थानी कलाकार हैं, जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये अवार्ड शो हमने स्टार्ट किया था 2013 में। और इस साल यानी कि 2019 में हमारा 7वां अवार्ड सेरेमनी यानी कि 7th अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है, और एक बहुत ही बड़े लेवल पे इस साल भी राजस्थान फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है। इस साल राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सिर्फ और सिर्फ एक रीजनल सिनेमा अवार्ड शो नहीं है, जबकि इस साल हमने कई और खूबसूरत सिनेमाओं से, रीजनल सिनेमाओं से मूवीज को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को नॉमिनेट किया है, और वो भी इस साल हमारे साथ जुड़ेंगे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की उस खूबसूरत शाम में, जहां हम देंगे अवार्ड सबसे बेहतरीन कलाकारों को और पूरे देश भर से आए हुए हमारे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, कुछ पंजाबी इंडस्ट्री से, कुछ गुजराती से, कुछ साउथ इंडियन से और बहुत से और सिनेमाओं से, बहुत से एक्टर्स डायरेक्टर्स हमसे जुड़ेंगे इस साल राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 7th अवार्ड सेरेमनी में। एंड सबसे बड़ी बात जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल इस बार है वो ये है कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल इस साल 28 सितंबर को होस्ट करने जा रहे हैं। श्रेयस कलपड़े आप सभी जानते होंगे, उन्हें देखा होगा उनके मूवीज को और पसंद भी किया है बहुत ही उनके रोल्स को, और इसीलिए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की खूबसूरत शाम को इस साल होस्ट करेंगे द वेरी कॉमिक आर्टिस्ट एंड द मोस्ट लव्ड एक्टर दैट इज श्रेयस कलपड़े। एंड वो शाम जो होगी बहुत ही बेहतरीन होगी, एक शाम जो राजस्थान के नाम होगी, राजस्थान के कला, भाषा, संस्कृति और हमारी अब खूबसूरत जितनी भी सिनेमा की मूवीज हैं उनके नाम एक शाम होगी। और आप सभी 28 सितंबर को विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड फैकल्टीज इनवाइटेड हैं वहां पर आने के लिए। मान पैलेस वैशाली में 28 सितंबर की शाम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल लाइव अवार्ड शो, जो कि टेलीकास्ट होगा जी राजस्थान पे लाइव। एंड सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि क्योंकि हम लोग लास्ट 6 सालों से हमारी संस्कृति, कला और भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम कभी भी इन काम के साथ पैसे को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, यानी कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड शो की कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है। आप सभी फैमिली के साथ डायरेक्टली वेन्यू पे आ सकते हैं, पूरा शो एंजॉय कर सकते हैं, और आज भी हमारे पास काफी सारी चीजें हैं आप सभी को देने के लिए और बहुत सारी मस्तियां करेंगे। उसके साथ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का दूसरा जो मोटिव होता है वो होता है आप सभी को, यानी कि राजस्थान के आने वाली यूथ को राजस्थानी कल्चर से कनेक्ट कर रखना। आप सभी वेस्टर्न की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, आप सभी इंग्लिश जरूर सीखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी होम लैंग्वेज यानी कि राजस्थान की जो भाषा है उस भाषा में कहीं ना कहीं बोलते हुए हम शर्माते हैं। हम इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल लेते हैं, हम हिंदी तो बोलते ही हैं, लेकिन मारवाड़ी जो है, जो हमारी, जो हमको रिप्रेजेंट करती है, जो हमारी भाषा है, जो राजस्थानियों की पहचान है,
वो बोलते हुए कहीं ना कहीं हमारे मन में एक शर्म से आ जाती है कि यार पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। और ये जो थिंकिंग है, इस थिंकिंग को इवॉल्व करने के लिए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हर साल हर साल राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड शो से ये कोशिश करता है कि आप सभी हमारी खूबसूरत भाषा से जुड़ के रहें। आप राजस्थान के बाहर नहीं चले जाएं, अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वो पंजाबी बोलते हैं लेकिन वो शर्माते नहीं क्योंकि उनको पता है कि ये उनकी भाषा है। हिंदी के अलावा वहाँ पर आप सभी को पंजाबी बोलते हुए सुनेंगे और बहुत ही ओपनली, क्योंकि उनको पता है कि ये उनकी भाषा है, उनको रिप्रेजेंट करती है, इसलिए वो बहुत गर्व के साथ पंजाबी बोलते हैं। उसी तरह से हमको भी एक राजस्थानी होने का गर्व होना चाहिए और हमें भी अपनी भाषा को बहुत ही गर्व से बोलना चाहिए। तो आज की जो एक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि इस साल राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड शो के जो इंटर स्कूल इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होता है 26 सितंबर को, यानी कि हमारे अवार्ड शो से एक दिन पहले, उस डांस कॉम्पिटिशन में आप में से कौन से टैलेंटेड डांसर्स हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस साल जीतने वाले पहली टीम के स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे विनिंग सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड अ कैश प्राइज ऑफ 25,000 रुपीज। यानी कि अगर आप 26 सितंबर का हमारा डांस कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं तो आपको दिए जाएंगे विनिंग सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड अ कैश प्राइज ऑफ 25,000 रुपीज, जो भी होगा स्टूडेंट्स के लिए। उसी के साथ अगर आप रनर अप भी रहते हैं तो आपको दिए जाएंगे ऑफ कोर्स रनर अप सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड अ कैश प्राइज ऑफ 11,000 रुपीज। एंड सबसे बड़ी बात पता है गाइस क्या है, हमारे डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप जीतते हैं तो आपके लिए वेट कर रहा है एक खूबसूरत कैश प्राइज, सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रॉफीज हैं, कैश प्राइज है, ये आपके टैलेंट सामने बहुत छोटी है और ये चीज हमें पता है, इसलिए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जीतने वाली पहली दो टीम्स के स्टूडेंट्स को मौका देता है परफॉर्म करने का लाइव हमारे नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने वाले अवार्ड शो के स्टेज पर सेलिब्रिटीज के साथ। यानी कि अगर आप रहते हैं उन स्टूडेंट्स में से जो स्कोर करेंगे पहली दो पोजीशन हमारे डांस कॉम्पिटिशन में, तो आपको मिलेगा मौका उन आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज के साथ स्टेज पर लाइव टीवी में परफॉर्म करने का, जिनको शायद आपने आज तक सिर्फ स्क्रीन के थ्रू देखा होगा। और मैं समझता हूँ कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ डांसिंग की हॉबी भी रखते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म का भरपूर जो है फायदा उठा सकते हैं और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। चलिए आज की एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे, बहुत नॉर्मल सी एक्टिविटी है, बहुत मस्ती करेंगे अपन लोग और सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप सभी राजस्थान के बारे में कितना जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो बनाई जा रही है जो कि YouTube पे हमारे यूट्यूब का नाम है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पर अपलोड होगी। वहाँ पर जाके आप अपनी परफॉर्मेंसेस, अपने फ्रेंड्स की परफॉर्मेंसेस, आज की पूरी एक्टिविटी अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस डेवलप आप कर सकते हैं। उसके साथ आपकी पिक्चर्स दी जा रही हैं जो फेसबुक पे हमारे पेज पे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स पे अपलोड होगी, वहां से भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बेसिकली आज की पूरी एक्टिविटी आपको एंजॉय करने के, रेडी हैं सभी? रेडी हैं? अपन बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे पूरी एक्टिविटी जो समझ में आने लग जाएगी। यहाँ पर बैठे हुए सब लोग मूवीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड, तो क्या किसी को पता है कि इंडियन सिनेमा यानी कि बॉलीवुड में सबसे पहली मूवी कौन सी बनी थी? मुझे सिर्फ उस मूवी का नाम जानना है, इंडियन सिनेमा में सबसे पहली मूवी कौन सी बनी थी, हिस्ट्री का पार्ट है। और आज जितनी भी खूबसूरत बॉलीवुड की मूवीज हम देखते हैं उनकी एक नींव रखी गई थी इंडियन सिनेमा में पहली बनी हुई मूवी से, तो वो कौन बताना चाहेंगे? किसी को बताएं, सिर्फ हाथ खड़े करेंगे आप? यार इतनी मूवीज देखते हो अभी, हाँ बोलो ना, तो ये तो पता ही होना चाहिए कि इतनी सारी खूबसूरत मूवीज जो आप देखते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसकी सबसे पहली मूवी कौन सी बनी। टीचर्स बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स बता सकते हैं अगर टीचर्स को पता है तो। मैम के लिए तालियां बजाएं, मैम आपको आगे आना पड़ेगा प्लीज। सबसे पहले तो आपका नाम, मैम इंडियन सिनेमा में सबसे पहली मूवी कौन सी बनी थी? आलम आरा। थोड़ा सा पार्शियली करेक्ट आंसर है, आलम आरा वाज़ द फर्स्ट साउंड मूवी, यानी कि पहली वो मूवी जिसमें हमने साउंड सुना था, डायलॉग सुने थे, गाने सुने थे, लेकिन उससे पहले भी एक मूवी बनी जिसमें ना तो साउंड था, ना कलर थे, ना गाने थे। कौन सी एडिशन था? एकदम करेक्ट आंसर, राजा हरिश्चंद्र। सिनेमा में सबसे पहली मूवी जो बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। एंड मैम का करेक्ट आंसर के लिए बीका जी की तरफ से एक छोटा सा ये गिफ्ट है पर आपके लिए मैम, थैंक यू सो मच फॉर द राइट आंसर। एंड आप प्लीज
तो एक और छोटा सा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनको एक चीज पता है कि राजस्थान किस चीज के लिए फेमस है, पता है आप सभी को? एक चीज है राजस्थान में, गर्मी। गर्मी कहाँ से होती है? थार डेजर्ट। यानी कि राजस्थान में दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट में से एक डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट, और उस थार डेजर्ट के अंदर दुनिया की सिर्फ और सिर्फ एक नदी ऐसी है जो उसमें से बहती है, यानी कि एक रेगिस्तान में से बहती है, एक सी लाइन रिवर है जो हमारे थार डेजर्ट में से बहती है और गुजरात में एंटर करती है। उस रिवर का नाम मुझे जानना है, कौन बता पाएगा? पहले तो आपका नाम एंड कौन सी क्लास में आप? चलिए तो फिर अपने फ्रेंड्स को बताएं कि थार डेजर्ट से बहने वाली इकलौती नदी का नाम क्या है? सरस्वती। वहां कैसे आ गए सरस्वती नदी? वहां पर तो आप बता चाहेंगे सर? आ जाए उनके बड़ा ताले हो जाए बैठे, आप यही बने रहेंगे यहाँ पर। आ जाए सर, पहले तो आपका नाम? चिराग। और कौन सी क्लास में आप? एक। चलिए तो फिर बताएं अपने फ्रेंड्स को कि थार डेजर्ट से बहने वाली नदी का नाम क्या है? चंबल। चंबल तो बाबा यहाँ पर है, चंबल वहां का लेके जा रहे हो। और कौन बताना चाहेगा? कोई और बताना चाहेगा? सक्षम यहाँ पर आए। और आप कौन सी क्लास में है? थर्ड में। चलिए सक्षम बताएं कि थार डेजर्ट में से बहने वाली नदी का नाम क्या है? गंगा। गंगा को थार पूछा दिया इन्होंने यार, काफी ज्यादा टैलेंटेड। अब मेरे को लग रहा है टीचर से आंसर लेना पड़ेगा। कोई और बताना चाहेगा? इंदिरा गांधी कैनल। नहीं 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 यार, बहुत छोटा सा क्यूट सा नेम है, आप बता चाहेंगे सर? आ जाए ताले आ जाएंगे फटाफट से बताएंगे हमें। ये आपका नाम सर? कमल। नहीं आपका नाम पहले है? आपका नाम कमल। कमल अच्छा मैंने कुंबल बोल रहे हैं, कौन सी बता दी मैंने। चलिए कौन सी क्लास में आप? एट में। चलिए तो फिर अपने फ्रेंड्स को बताएं कि थार डेजर्ट में बहने वाली नदी का नाम क्या है? दूनी। एकदम करेक्ट आंसर, दूनी। और यही बने रहे, और ये गिफ्ट हैम्पर सर आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट आंसर, एंड ऐसे ही जो है कॉन्फिडेंट रहे आप भी सभी जगह। हमें ये देखना है कि कौन से वो टैलेंटेड डांसर्स हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे 26th ऑफ सितंबर के डांस कॉम्पिटिशन में। तो पहले मुझे ये बताएं कि डांस कौन कौन करता है? अरे सारे डांसर हैं ना, बताओ अभी यहाँ पर परफॉर्म करना कौन चाहता है? सॉन्ग आपकी चॉइस का, गाना आपकी चॉइस का, परफॉर्मेंस आपकी। तालियां मैं बजा दूंगा। एक्टिविटी की स्टार्टिंग अपने गणेश वंदना से करें। तो मैम कौन करना चाहेगा गणेश वंदना? अच्छा क्या बात है, ग्रुप गणेश वंदना प्रिपेयर है। चलिए तो फिर तालियां बजाएं एक बार सारी परफॉर्मेंस के लिए। चलिए फिर फटाफट सारे परफॉर्मेंस यहाँ पर आ जाएं, आते जाएं यहाँ पर लाइन पे आ जाएं। क्या बात है, पूरा ग्रुप एक बार तालियां बजाएगा इन सभी के लिए। एंड चलिए तो फिर हम देखेंगे इन सभी की एक खूबसूरत सी गणेश वंदना। तालियां थोड़ी जोर Thank you.
Can we have the music, please?
अरे यहीं पे आ जाए मैम, यहीं पे आ जाए वापस से। इतनी शानदार कॉन्सर्ट खाली हाथ हम जाने दे नहीं सकते, तो आपके लिए और एक छोटा सा वी एनसीसी शिविर से फ्री है कृपा ने आपके लिए। मैम थैंक यू सो मच फॉर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। आप सभी के लिए तालियां फिर जोरदार से, आप सभी अपनी जगह से थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट परफॉर्म करने के लिए कौन आना चाहता है जी? आ जाए मैम, तालियां फिर जोरदार से जिनके लिए। एंड पहले तो आपका नाम एंड अच्छा साथ में परफॉर्म करेंगी, तो आपका नाम मैम एंड क्या परफॉर्म करने वाली हैं आप? Oh
परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी तो गेट पे थोड़ा सा हटके होना चाहिए। सबसे पहले आप दोनों के लिए भीका जी की तरफ से छोटे से गिफ्ट का प्रवाइज है इसमें, और उसी के साथ यहीं पे बने रहे सिद्धि रंका ग्रुप की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट आप भी है आपके लिए मैम, और ये आपके लिए तालियां फिर जोर से आप प्लीज अपनी जगह पे सकते हैं। चलिए तो आप कौन आना चाहेगा, अरे इतने सारे कैंडिडेट आ जाए बराबर से, तालियां कहां पर गई तालियां, कम ऑन जी बराबर से लाइन में आ जाए, लाइन में आ जाए। एंड आपका नाम? एंड सर फिर ये सभी देंगे आपके लिए एक बेहतरीन ग्रुप परफॉर्मेंस, तालियां फिर जोरदार हो जी गाइस। एंड कैन बी हैप्पी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस भी रही है आपकी, तो इनकी इतनी शानदार परफॉर्मेंस सबसे पहले अब तो भी
टीचर है तो टीचर के लिए गिफ्ट और नाटक होना चाहिए, तो इनके लिए सबसे पहले ओशवाल शो ग्रुप की तरफ से एक छोटा सा ये गिफ्ट है बड़े आज के मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर परफॉर्मेंस। एंड अब क्योंकि हम ये एक्टिविटी जो है वो खत्म कर रहे हैं, तो एक टोकन ऑफ थैंक्स पूरी फैकल्टी के लिए, पूरी स्टाफ के लिए जिन्होंने हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट दी कराने के लिए, सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल मैम के लिए, जो मैम एक बार यहाँ पर आप आए। एंड एज स्मॉल टोकन ऑफ थैंक्स जेके मसाला की तरफ से छोटा सा गिफ्ट हमारे पास है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल से आपके लिए मैम, थैंक यू सो मच प्रोवाइडिंग अस दी गुड वे पहुंच रही मैम के लिए एक बार ताले बजाएं। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बहुत ही मजा आया। नमस्ते, मैं हूं श्रेयस अल्पदे और मैं आ रहा हूं गुलाबी नगरी जयपुर में 28 सितंबर को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी ज़रूर आएंगे और हम सब मिलकर बनाएंगे इस रंगीन बेहतरीन शाम को और भी यादगार। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपका इस बीकाजी असली बीकानेरी प्रेजेंस ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 7th अवार्ड सेरेमनी पावर्ड बाय सिद्धि अनंत ग्रुप एंड IOCL सर्वो को पावर्ड बाय JK मसाले की रंगीन दुनिया में, जहां हम जिएंगे हमारे देश के अलग अलग कल्चर्स को एक साथ। Stay happy, stay healthy, and mark your calendars 28th September 2019 at Maan Palace. See you all. I love you all. Jai Hind. Rajasthan Film Festival. Nai Soch, Nai Disha.